तारीख है 21 जनवरी, बात 23 दिसंबर 1912 की है। एक व्यक्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स हर्डिंग की हत्या करने का मन बना चुका था। इस दिन लॉर्ड चार्ल्स हर्डिंग पहली बार कोलकाता आने वाले थे। बंगाल के युवा क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास को उन पर बम फेंकने की जिम्मेदारी दी गई। योजना थी कि लॉर्ड हर्डिंग हाथी पर बैठ कर आएंगे और इतनी ऊंचाई पर सिर्फ बसंत कुमार विश्वास ही बम फेंक सकते थे। जब गवर्नर जनरल की सवारी निकली तो चांदनी चौक पर वह व्यक्ति और बसंत कुमार पहले से ही मौजूद थे। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था कि तभी उस व्यक्ति ने बसंत कुमार से कहा कि मुझे बम फेंकने दो। पहले तो बसंत कुमार ने इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने उस व्यक्ति को बम फेंकने दिया। बम फेंकने के साथ ही जोरदार विस्फोट से इलाके में भगदड़ मच गई। घटना के बाद सभी को लगा कि हर्डिंग की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर्डिंग घायल हुए और उनका हाथी मारा गया। उस व्यक्ति की यह कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद वह तुरंत देहरादून लौट आया और सुबह ऑफिस जाकर पहले की तरह काम करने लगा। यह व्यक्ति और कोई नहीं, आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान देने वाले रास बिहारी बोस थे। 25 मई 1886 में बंगाल के एक गांव में जन्मे रास बिहारी बचपन से ही तुनक मिजाज थे। 10वीं करने के बाद उन्होंने आर्मी में शामिल होने की ठानी, लेकिन उनके विचार के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके बाद रास बिहारी को हिमाचल के कसौल में एक क्लर्क की नौकरी मिली। फिर वहां देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI में शिफ्ट हो गए। बोस नौकरी भले ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत करते थे, लेकिन उनके विचार तब भी क्रांतिकारी थे। नौकरी के दौरान वो ब्रिटिश औपनिवेशिक के खिलाफ सोच रखने वाले पंजाब और बंगाल में मौजूद दोस्तों के संपर्क में थे। देहरादून FRI में रहते हुए उन्होंने केमिकल पदार्थों के बारे में जबरदस्त जानकारी जुटाते हुए बम बनाना सीखा। दिल्ली में साल 1912 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर फेंका गया बम भी उन्होंने ही बनाया था। वायसराय पर हमले के बाद कई महीनों तक बिना किसी खबर के रास बिहारी वहां नौकरी करते रहे। हैरानी की बात है कि हमले के कुछ महीनों बाद वायसराय लॉर्ड हर्डिंग मेहमान के तौर पर देहरादून के FRI आए। उनके सम्मान में रास बिहारी ने एक शानदार रिसेप्शन भी रखवाया था। इन तमाम बातों की किसी को भी भनक नहीं थी कि वायसराय पर हुए हमले के पीछे इसी शख्स का हाथ था। इसके बाद रास बिहारी के कुछ क्रांतिकारी साथियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद शक की सुई उन पर भी घूमी। गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी वहां से चंदन नगर चले गए। इसके बाद वो करीब एक साल अंडरग्राउंड रहे। माना जाता है कि वो इस दौरान अपने घर और बनारस के बीच में ही कहीं छिपे हुए थे। ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए वो आखिरकार मई 1915 में जापान के लिए उड़ गए। साल 1916 में उन्होंने जापान की नागरिकता भी हासिल कर ली। रास बिहारी बोस जब जापान में रह रहे थे तो उन्होंने अपने इस प्रवास में एक जापानी महिला तोशिको शोमा से शादी कर ली। दरअसल जब वे जापान गए तो शोमा के ही मकान में रहना शुरू किया था, जहां दोनों के बीच प्रेम हुआ। इस विवाह के चलते जापान में उन्हें एक अलग स्वीकार्यता भी मिली। उन्होंने फिर जापान की नागरिकता भी हासिल कर ली। वहीं आज ही के दिन 21 जनवरी 1945 को उनका निधन हो गया। आज जब भी आजाद हिंद फौज की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में सुभाष चंद्र बोस का ख्याल आता है, लेकिन इसमें भी रास बिहारी का बड़ा रोल था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जर्मनी पहुंचे थे, जहां रास बिहारी ने सुभाष चंद्र को बैंकॉक लीग की दूसरी कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। 20 जून को सुभाष चंद्र टोक्यो पहुंचे, वहीं 5 जुलाई को नेताजी का जोरदार स्वागत हुआ। उस समय रास बिहारी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की कमान नेताजी को सौंपी, जिसके बाद रास बिहारी सलाहकार की भूमिका में रहे। आपको बता दें, जापान सरकार ने अपने दूसरे बड़े अवार्ड अवार्ड ऑफ द राइजिंग सन से रास बिहारी बोस को सम्मानित भी किया था। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 21 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1924 में रेग्जे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। वहीं साल 1950 में अंग्रेजों के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल का निधन हुआ था। साल 1958 में
कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया था। आज ही के दिन 1981 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी लोगों को छोड़ाया गया था। साल 1986 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था। वहीं साल 1996 में इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास यात्रियों से भरी हुई नाव डूबने से लगभग 340 लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन साल 2000 में एशिया के पहले स्प्लिट लेवर का ट्रांसप्लांट हांगकांग में हुआ था। वहीं साल 2007 में भारत ने वेस्टइंडीज से वनडे क्रिकेट सीरीज जीती थी। आज ही के दिन साल 2009 में कर्नाटक के बीदर में वायुसेना का विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।